आपने मेरा फर्स्ट एपिसोड का टिफ़िन देखा होगा जिसमें मैंने चना आलू की सब्जी पूरियों के साथ बनाई थी। आज मैं ये सेकंड टिफ़िन बनाऊंगी। हेलो, मैं हूँ रश्मि, वेलकम टू माय किचन। चीला पराठा रोल के लिए मैंने पहले बेसन ले लिया है, उसमें हरी मिर्ची चॉप करके, टमाटर चॉप करके, धनिया, पुदीना और अनियन चॉप करके डाल दिया है। अब इसमें लाल मिर्ची, नमक और चुटकी भर बेकिंग सोडा जो हम पकौड़ों के लिए यूज़ करते हैं वो वाली डाल के मैं इसे एक बैटर बना लूँगी। पर ये ज़्यादा थिक नहीं होगा पकौड़ों की तरह, थोड़ा उससे लूज़ होगा। आप देखिए, तब तक मैं वो आटा गूंद के सिंपल रोटियां बेल लूँगी। अब आप भी देखिए, इस तरह से पतली रोटी बेलनी है। अब ये तवा गर्म हो चुका है, मैंने इस पे रोटी डाली। रोटी डालते इसे तुरंत उल्टा देना है ताकि वो नीचे से एक साइड से पके नहीं। अब इस पे ये बेसन वाला गोल हमें डाल देना है। ये बिल्कुल देखिए रनिंग है। अब मैं थोड़ा थोड़ा हिला के देखूंगी जिससे ये नीचे चिपके नहीं और नीचे का बेसन भी इसके साथ पकता जाए रोटी के साथ। इसलिए हमें रोटी को उलटते ही ये डाल देना है। देखिए, नीचे की अगर रोटी बन जाए तो हमें इसे उल्टा देना है। हम चेक कर रहे हैं। अब इस तरह से पहले थोड़ा सा बेसन, फिर ऊपर से रोटी डाल दी और साइड में जो भी लगाए उस वो खुद ही उतर जाएगा। अभी आप देखिएगा, तवे पे चिपकता नहीं है बेसन, हाल उतर जाता है। मैंने ये घी लगा दिया है, बटर या कुछ भी, देखिए बिल्कुल बेसन हाल उतर जाता है। इस तरह से अब मैं इसे दोनों साइड से उतार उतार के बीच में से पलट दूंगी। देखिए बिल्कुल इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है। दोनों साइड से सेक के अच्छी तरह से सेकना है। अब मैं इसे उतार लूंगी। आप देखिए पूरी तरह से ये रेडी है। अब मैं इसको रोल बना के किसी टिश्यू पेपर या किसी जो भी आप फॉइल में रखते हो उसमें इस तरह से फोल्ड करूंगी और ऊपर से देखिए खुला हुआ है। मैं अब ये टिफिन में रख दूंगी। आज मैंने सैलेड की जगह ये कॉर्न रख दूंगी। एक साइड मैंने फ्रेंच रख दिए और एक में फ्रूट में मैंने पपैया और मैंगो रख दिए। अब मैं ड्रिंक तैयार करती हूँ जो इस सेकंड वाले में मैंने फर्स्ट में नहीं रखा था। मैंने आपको बताया सेकंड में मैं ड्रिंक रखूंगी। इसमें मैंने पुदीने को क्रश करके लेमन का जूस निकाल दिया है। अब मैं इसमें ग्लूकोज डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच ग्लूकोज। अब मौसम ऐसा हो चुका है कि बच्चों को डेली एक ड्रिंक देना चाहिए जिससे वो डिहाइड्रेशन से बचे रहें। और मैं पूरा बर्फ से भर दूंगी, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी क्योंकि वो लंच तक मेल्ट होके पानी हो जाएगा। आप देखिए कि